बाद लोग जलती हुई राख को अपने घर लेकर जाते हैं। इसके पीछे कई पौराणिक मान्यता व धारणाएं हैं। मान्यता के अनुसार जलती हुई राख को घर लेकर जाने को शुभ माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि यदि जलती हुई राख के साथ गोबर से बनाए हुए गोला किसी घर आ जाता है तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। देखिए, होली जलाने के बाद एक परंपरा यहाँ पर है कि होली की जो राख होती है, अग्नि जो होती है, वो अपने घरों में वो सब लोग ले जाते हैं। उसमें भी ऐसी मान्यता है कि जो नारियल होता है, अगर अग्नि लेते समय किसी के पास वो नारियल आ जाए, नारियल यहाँ पर जो गोबर के उपले होते हैं उनसे नारियल बनाया जाता है, कुछ लुकड़ियां गोल बनाई जाती हैं और एक नारियल बड़ा बनाया जाता है। तो वो नारियल अगर किसी के आ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उसके घर में मंगल होगा और उसको शुभ समाचार और मंगल समाचार प्राप्त होंगे। इसके अलावा उस अग्नि, क्योंकि यहाँ एक मान्यता है कि होलिका का दहन होता है और प्रह्लाद जीवित रहता है, तो जो होलिका होती है वो जब भस्म होती है तो उसका पूर्ण जो देह है, उनका जो शरीर है, वो भस्म हो जाता है और वो ईश्वर में मिल जाता है। तो वो एक पवित्र राख, एक पवित्र भस्म बन जाती है और वो भस्म ले जाने की यहाँ मान्यता है। और उसके में ये होता है कि सामूहिक रूप से जो घर में उस भस्म का प्रयोग कुछ नेगेटिव चीज़ों को हटाने के लिए किया जाता है, उसको उस पर पापड़ सेक कर खाया जाता है,